एक महीने में दो वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में दो वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देव उठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो पांच दिन पीछे के होते हैं। आंवला मौनी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन पांच दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझे उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोक। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन पांच दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में।